सुप्रभात। कक्षा दूसरी, विषय हिंदी, उप विषय पाठ एक, भाषा और उसके रूप। पुस्तक का नाम नई गुलमोहर हिंदी व्याकरण। व्याख्यान दो। कल आपने भाषा का हमारे जीवन में बहुत महत्व है इसके बारे में जाना था, तो चलो आज हम एक बार पुनः इसके बारे में जानते हैं। देखते हैं इस चित्र को और समझते हैं। इस चित्र में लड़कियों का आपस में बातचीत का प्रयास हो रहा है। लड़कियां एक दूसरे से बातचीत करना चाहती हैं, लेकिन कर नहीं पा रही हैं, क्योंकि उन्हें भाषा का ज्ञान नहीं है। ऊपर दिए गए चित्र से ये समझ स्पष्ट होता है कि भाषा का बिना हमारा जीवन अधूरा है। तो भाषा क्या है? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचारों को दूसरों के सामने प्रकट कर सकते हैं और दूसरे के विचारों को समझ सकते हैं। दोबारा बता रही हूँ, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचारों को दूसरों के सामने प्रकट कर सकते हैं और दूसरे के विचारों को समझ सकते हैं। फिर हमने जाना था भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक लिखित। इसके बाद हमने इन भाषाओं के रूप का विस्तार जाना था। मौखिक भाषा, मौखिक भाषा वह भाषा होती है जब दो या दो से अधिक व्यक्ति अपने विचारों को एक दूसरे के सामने बातचीत द्वारा प्रकट करते हैं। क्या बोला? मौखिक भाषा वह भाषा होती है जब दो या दो से अधिक व्यक्ति अपने विचारों को एक दूसरे के सामने बातचीत द्वारा प्रकट करते हैं। उदाहरण के लिए चित्र देखते हैं। अध्यापक कक्षा में पाठ पढ़ रहा है, बच्चे उसे सुन रहे हैं। इसका मतलब है अध्यापक यहाँ पे क्या कर रहे हैं? कक्षा में पाठ पढ़ रहे हैं और बच्चे क्या कर रहे हैं? सुन रहे हैं और समझ भी रहे हैं। यही भाषा का मौखिक रूप है। तो बच्चों, मुख से निकली भाषा को मौखिक भाषा कहते हैं। तो देखिए, बताया ना, अध्यापक कक्षा में पाठ पढ़ रहा है और बच्चे उसे सुन रहे हैं और समझ भी रहे हैं। यही भाषा का मौखिक रूप है। तो बच्चों, मुख से निकली भाषा को कौन सी भाषा कहेंगे? मौखिक भाषा कहते हैं। अब हम जानेंगे लिखित भाषा के बारे में। लिखित भाषा वह भाषा है जब हम अपने विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं। क्या बोला मैंने? लिखित भाषा वह भाषा है जब हम अपने विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं। उदाहरण के लिए चित्र को देखिए। क्या हो रहा है यहाँ पर? अध्यापक श्याम पट पर कुछ लिख रहे हैं और बच्चे उसे पढ़कर समझ रहे हैं। तो क्या लिखा? अध्यापक श्याम पट पर कुछ लिख रहे हैं, बच्चे उसे पढ़कर समझ रहे हैं। यह भाषा का लिखित रूप है।
तो बच्चों लिखित का अर्थ हुआ लिखा हुआ। लिखित का क्या अर्थ हुआ? लिखा हुआ। अब आपको समझ आ गया होगा भाषा क्या है। क्या है भाषा? भाषा है देखिए लिखना पढ़ना बोलना सुनना भाषा के दो रूप कहलाते। दोबारा सुनिए ध्यान से। लिखना पढ़ना बोलना सुनना भाषा के दो रूप कहलाते। दोनों रूप जिसे है आते वही भाषा को समझ पाते। ठीक है, इसका मतलब है जो इन दोनों भाषा के रूप को जान लेता है उसे भाषा समझ में आ जाती है। अब हम हमारी भाषाओं के बारे में जानेंगे। हमारे देश में अनेक भाषाएं बोली जाती है, जैसे हिंदी, पंजाबी, मराठी, तेलुगु, तमिल, गुजराती, असमिया आदि। आपके भी यहाँ पे अलग अलग भाषा बोली जाती होगी या इनमें से कोई भाषा बोली जाती होगी आपके घर में भी, है ना? तो बच्चों आज हमने क्या सीखा? हमने सीखा अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाना और दूसरों की बातों को समझना भाषा के द्वारा ही होता है। नंबर दो पे भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। और नंबर तीन पे क्या लिखा है? हमारे देश में अनेक भाषाएं बोली जाती है। एक बार दोबारा सुन लीजिए हमने इस पाठ को पढ़ने के बाद क्या सीखा। हमने सीखा अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाना और दूसरों की बातों को समझना भाषा के द्वारा ही होता है। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। और क्या जाना? हमारे देश में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। हेलो, अब हम कुछ अभ्यास कार्य करते हुए समझते हैं। यहाँ पर दो चित्र दिखाए हैं सामने, ठीक है? इन चित्रों में देखिए कि कौन सी गतिविधि हो रही है। पहले चित्र में कौन सा काम हो रहा है? लिखने का, तो ये लिख दिया लिखित। और दूसरे में क्या हो रहा है? सुनने का, तो ये क्या हो गया? मौखिक, है ना? तो लिखित और दूसरा क्या हो रहा है? मौखिक। अब अगला चित्र देखते हैं। अगले चित्र में अध्यापिका क्या कर रही है? लिख रही है। बच्चे भी क्या कर रहे हैं? लिख रहे हैं। तो ये कौन सी भाषा है? लिखित। और यहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं, तो ये कौन सी भाषा है? खेलते हुए बातें कर रहे हैं ना, तो ये कौन सी भाषा हो गई? मौखिक। तो आपने जाना चित्रों के आधार पर कौन सा लिखित भाषा है और कौन सा मौखिक भाषा है। अब हम इस प्रश्न को करते हुए समझते हैं। ये आपकी किताब का ही है। दिए गए वर्ग में से भारत में बोली जाने वाली भाषाएं ढूंढकर लिखिए। ये आपकी वर्ग पहेली है। इनमें आपको ढूंढना है जो भाषाएं भारत में बोली जाती है। सबसे पहले मैंने ढूंढा तेलुगु, ये देखिए, और मैंने इसे लिख दिया। फिर मैंने ढूंढा मराठी, फिर मैंने लिख दिया। तीसरे नंबर पे मैंने ढूंढा हिंदी, लिख दिया। चौथे नंबर पे मैंने देखा गुजराती, लिख दिया। और पांचवे नंबर पे मैंने देखा असमिया। अभी हमने भारत में बोली जाने वाली भाषाएं पढ़ी थी ना, उन्हीं में से ये वर्ग पहेली में शब्द हैं। आपको इन्हें ढूंढकर नीचे लिखने हैं, ठीक है? अब हम करते हैं अगला अभ्यास कार्य। अरे देखो, यहाँ पर कुछ बोलियां दी गई हैं। चलो करके देखते हैं प्रश्न पे क्या दिया है। पहले प्रश्न को समझते हैं।
कुछ पशु पक्षियों के नाम नीचे दिए गए हैं, उनके अनुसार उनकी बोलियों का ठीक मिलान करें। क्या बोला? कुछ पशु पक्षियों के नाम नीचे दिए गए हैं, उनके अनुसार उनकी बोलियां का ठीक मिलान करें। पहला है कुत्ता, फिर है कौवा, यहाँ है बकरी और यहाँ है कबूतर। यहाँ बोलियां दी गई है, काव काव, गुटर गू, भो भो, मैं। तो अब आपको पशु पक्षियों के नाम पढ़ने हैं, फिर सोचना है इनमें से कौन सी बोली किसकी है। पहला दिया कुत्ता, कुत्ता कैसे करता है? भो भो, बिल्कुल सही, तो हमने कुत्ते को भो भो से मिलाया। फिर कौवा कैसे बोलता है? काव काव, तो हमने कौवा को काव काव से मिलाया। फिर है बकरी, बकरी कैसे बोलती है? मैं। और कबूतर कैसे बोलता है? गुटर गू, गुटर गू। जैसे क पे दिया है, जब हम लिखते हैं तो दूसरा क्या करता है? सुनता है या पढ़ता है। ख पे दिया है, गूंगा व्यक्ति अपनी बात कहता है, कैसे? बोलकर या संकेत में। तीसरा है, जब हम बोलते हैं तो दूसरा क्या करता है? देखता है या सुनता है। आपको सोचना है, फिर इन कोष्टक में सही का निशान लगाना है। अब अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए। आपको यहाँ रिक्त स्थान होता है खाली जगह, इन खाली जगह में कोष्टक में दिए गए शब्दों की सहायता से भरना है। क, अपनी बातों को दूसरों तक पहुँचाना और दूसरों की बातों को समझना डैश के द्वारा ही होता है, भाषा या बोलना। ख पे दिया है, भाषा के दो डैश होते हैं, भेद या रूप। ग पे दिया है, डैश भाषा में बोलकर समझाते हैं, मौखिक या लिखित। अगला प्रश्न में है ग, डैश भाषा में पढ़कर समझते हैं, मौखिक या लिखित। यहाँ पे दिया है, मैं हिंदी डैश में बोलता हूँ, भाषा में या बोली में। प्रश्न नंबर 3 में आपको दिया है सही वाक्यों में सही तथा गलत के सामने गलत निशान लगाना है। क पे दिया है, लिखित भाषा में हम लिखकर अपनी बात दूसरों तक पहुँचाते हैं, क्या यह वाक्य सही है? अगर सही है तो सही लगाना, अगर गलत है तो गलत लगाना। ख दिया है, बातचीत का मतलब है कहना सुनना। ग में दिया है, संसार में सभी लोग एक ही भाषा बोलते हैं। घ पे दिया है, भाषा के लिखित रूप में लिखना पढ़ना आता है। तो आप सभी बच्चे इस प्रदत्त कार्य को पहले अच्छे से पढ़कर सोचकर तत्पश्चात करना। अब हम कल के गृह कार्य का उत्तर को जानते हैं। कल का गृह कार्य में क्या दिया गया है देखते हैं। मैंने कल का गृह कार्य दिया था खाली स्थान भरिए। कप दिया है, डैश द्वारा हम अपने विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं, चुप्पी या भाषा। किसके द्वारा? आप सभी ने भाषा लिखा होगा ना, अगर आपने कुछ और लिखा है तो सही कर लीजिए। भाषा द्वारा हम अपने विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं। ख है, भाषा के डैश रूप होते हैं, दो या चार। इसका सही उत्तर है दो। ग है, भाषा के द्वारा हम दूसरों के विचारों को डैश हैं, समझते या नहीं समझते? समझते, बिल्कुल सही। तो आप समझ गए। अगला भी दिया था मैंने घ, जब हम बोलते हैं तो दूसरे डैश है, तो दूसरे क्या करते हैं? सुनते हैं। और जब हम लिखते हैं तो दूसरे पढ़ते हैं। आप सभी ने यही उत्तर लिखा होगा।
अगर आपने कोई और उत्तर लिखा है तो आप इसे सही कर ले। धन्यवाद।